हम भगत सिंह बनते टाइम नहीं लगाएंगे, ये तय है। जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, उसी प्रकार से हम शेखावाटी के सीकर जिले के नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र से प्रारंभ करेंगे हमारी पदयात्रा को, और राजस्थान विश्वविद्यालय में हम लेकर के जाएंगे। 5 दिन तक हम पैदल मार्च करेंगे। मतलब आरएलपी की कोई छात्र यूनिटी थोड़ी है, कोई छात्र संघ का कोई वो थोड़ी है, कोई 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 नहीं। आरएलपी का राजस्थान विश्वविद्यालय सहित राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमने पहले भी कई बार राजस्थान सरकार के नाम उच्च शिक्षा मंत्री जी को और राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय तमाम लोगों को हमने कई बार ज्ञापन देकर अवगत करवाया है, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों पे किसी भी प्रकार का कोई भी रवैया नहीं दिखाया। उन्होंने हमारी बातों पे किसी भी प्रकार की कोई मांग या फिर हमारी कोई भी पूरा करने का उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए हमने, क्योंकि कांग्रेस सरकार हमेशा कहती है कि हम गांधीवादी सरकार हमारी, हम गांधीवादी तरीके से चलते हैं और इन चीज़ों पे हम विश्वास रखते हैं, गांधी जी के पद चिन्हों पे कांग्रेस सरकार ज़्यादा विश्वास रखती है, इसलिए हमने ये तय किया है कि सरकार कोई ज्ञापन की नहीं सुन रही। हमने धरने प्रदर्शन हमने कर लिए, कोई नहीं सुन रही, इसलिए हम ये चाहते हैं कि अब सरकार को हम जवाब देंगे, गांधीवादी तरीके से हम जाएंगे और शांतिप्रिय तरीके से हम जाएंगे और पद मार्च करेंगे, हम पैदल मार्च करेंगे। जिस प्रकार से गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, उसी प्रकार से हम शेखावाटी के सीकर जिले के नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र से प्रारंभ करेंगे हमारी पदयात्रा को, और राजस्थान विश्वविद्यालय में हम लेकर के जाएंगे। 5 दिन तक हम पैदल मार्च करेंगे मध्य सर्दी के अंदर, और हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों पे सकारात्मक रवैया दे। हमारी जो मांगे हैं वो बिल्कुल छात्र हितों में हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, बालिकाओं की शिक्षा को निःशुल्क किया जाए, बालिकाओं को जो उच्च शिक्षा में जो बालिकाएँ हैं उनको पूर्णतः फ्री पढ़ाया जाए। जिस प्रकार से आपको पता होगा कि कांग्रेस सरकार मैनिफेस्टो में ये बात लिख करके दी थी, उनके 9 नंबर का पॉइंट था कि हम बालिकाओं को जो है निःशुल्क पढ़ाएंगे, जिस पे उन्होंने नहीं उतरी। छात्र छात्राओं को जयपुर सिटी सहित संपूर्ण राजस्थान में एसटी लागू हो, इसके लिए प्रभावी नियम बनना चाहिए। कोई नियम नहीं है, कोई मन में आता है वो एसटी लेता है, कोई मन में आता है वो एसटी नहीं लेता है। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर नियम बने कि छात्र को अगर कोई एसटी नहीं ले तो छात्र उस पर कार्रवाई करवाने के लिए शिकायत भी कर सके। जयपुर शहर की लो फ्लोर बसों में एसटी बिल्कुल भी नहीं लगती, एसटी कार्ड को भगा देते हैं, फेंक देते हैं वहां से। इसलिए हम चाहते हैं कि वो लो फ्लोर बसें भी हर स्टूडेंट के लिए लाभदायक होनी चाहिए और उनमें एसटी लगे। हमारी मांग रहेगी कि नीम का थाना में जहां से हम ये प्रारंभ कर रहे हैं रैली, यहां के बच्चों को लो में पढ़ने के लिए, विधि के लिए, हम चाहते हैं कि बहुत दूर दूर पढ़ने के लिए बच्चों को जाना पड़ता है, इसलिए हम चाहते हैं कि नीम का थाना में लो कॉलेज खुले। यहाँ की लड़कियों की, यहाँ के लड़कों की खुद की मंशा है। मेरे भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ कि संपूर्ण विश्वविद्यालय कॉलेजों को इंटरनेट में किया जाना चाहिए, सभी विश्वविद्यालय कॉलेजों को इंटरनेट में किया जाना चाहिए, ताकि उनमें बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई है वो बाधित नहीं हो और बच्चों को फायदा मिले, ये हमारी मांग रहेगी। और हम ये चाहते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में MNIT, IIT, MBBS, JNU इनके तर्ज पे राजस्थान विश्वविद्यालय में भी हर बच्चे को हॉस्टल मिलना सुनिश्चित होना चाहिए। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में गरीब मजदूर किसान का बच्चा बिल्कुल भी पढ़ने के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। बाहर पढ़ने के लिए 10,000 रुपये पर मंथ उसको चाहिए, एक मजदूर को 10,000 रुपये महीने की इनकम नहीं होती, बच्चों को कहां से पढ़ाएगा। ऐसी दौर में बच्चे राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने से बिल्कुल दूर छूट रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में भी इन तमाम सरकारी संस्थाओं जैसे MBBS, MNIT, IIT, JNU के तर्ज पे राजस्थान विश्वविद्यालय भी फ्री हॉस्टल की व्यवस्था करे, हर बच्चे को हॉस्टल देने का फैसला करे राजस्थान विश्वविद्यालय, क्योंकि पैसा पड़ा है, व्यवस्थाएं पड़ी हैं, खूब जगह पड़ी है, हॉस्टल बन सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी नेक्स्ट मांग रहेगी कि परीक्षा फोरम है, इनमें हर वर्ष 10% बढ़ोतरी की जा रही है, हर वर्ष 10% बढ़ोतरी की जा रही है। जो पहले फॉरम 1,000-1,200 रुपये में भरा जा रहा था, आज वही फॉरम जब बच्चे भरवाते हैं तो 3,000 से 4,000, 3,500, 2,800 रुपये, 2,700 रुपये लग रहे हैं। बच्चों के साथ लूट का शॉट हो रही है, पैसों के अभाव में बच्चे परीक्षा फॉरम तक नहीं भरते, ये हमारे सामने आई हुई स्थितियां हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान विश्वविद्यालय सहित तमाम प्रदेश, राजस्थान प्रदेश में जितने भी कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उन सब में हम चाहते हैं कि जो विकलांग स्टूडेंट है उनका मान सम्मान होना चाहिए। विकलांग स्टूडेंट अपने आप को ऐसे समझता है जिससे कोई मैं पता नहीं कहाँ से आ गया, यूनिक समझता है, इसलिए हम चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व अलग होना चाहिए, उनके लिए विशेष परामर्श केंद्र होना चाहिए, ताकि उनको लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़े।
मैंने बहुत बार विकलांग अपाहिज जो बच्चे होते हैं, दिव्यांग जो स्टूडेंट होते हैं, उनको लाइनों में लगते हुए देखा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इनके लिए अलग से प्रतिनिधित्व भी हो और इनका अलग से जो है योग्यजनों के लिए परामर्श केंद्र हर कॉलेज विश्वविद्यालय में हो। ये तमाम मांगे हम लेकर के सैकड़ों की संख्या में गांधीवादी तरीके से, बिल्कुल गांधीवादी तरीके से हम नीम का थाना से 28 दिसंबर को हमारी पदयात्रा को प्रारंभ करके जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय में 2 जनवरी को हम लोग पहुंचेंगे। और वहां पे यदि सरकार का कोई प्रतिनिधि हमसे बात करने नहीं आता तो फिर उसके बाद में हमारी कोर कमेटी तय करेगी कि हम किसका घेराव करेंगे, चाहे वो CMRO हो, चाहे CMO हो, चाहे विधानसभा हो। ये हमारी तमाम मांगे हैं, इनको लेकर के हम बहुत जल्द 28 दिसंबर को कुछ करने वाले हैं। यात्रा का उद्देश्य क्या है? हमारी यात्रा का उद्देश्य यही है कि हमने कई बार ज्ञापन दिए, धरने प्रदर्शन किए, सरकार ने हमारी सुनी नहीं। फिर एक दिन हम सुन रहे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का भाषण, तो हमने सोचा, वो कह रहे थे कि हम गांधीवादी, तो हमने सोचा कि क्यों ना हमें गांधीवादी पद यात्रा कर लें, ताकि ये पता नहीं हमारी बात सुन लें तो बच्चों का भला हो जाएगा, बच्चे बहुत पीड़ित हैं। इसलिए हमने ये पद यात्रा का निर्णय लिया है। ये पद यात्रा नीम का थाना से कैसे? नीम का थाना से इसलिए, मैं यहाँ पे पूर्व कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा था, मैं छात्रों की समस्या सुनने के लिए जब नीम का थाना, तो यहाँ की समस्या भी थी कॉलेज की। वैसे हमारा नागौर से आने का प्लान था, तो फिर हमने सोचा कि नीम का थाना को तय करेंगे, यहाँ की स्थानीय बच्चों को ज़्यादा समस्या है, इसलिए हमने विधि कॉलेज रखी है यहाँ की। इसीलिए हमने नीम का थाना से, क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग भी करता हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, इसलिए हम नीम का थाना से जयपुर लेके जाएंगे। 2023 में विधानसभा के चुनाव है, उनको जोड़कर तो ये यात्रा नहीं निकल। 2023 में विधानसभा के चुनाव, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हम स्टूडेंटों की बात करते हैं और हमारा कार्य क्षेत्र राजस्थान विश्वविद्यालय और छात्रों की सेवा के लिए हम काम करते हैं। विधानसभा चुनाव है तो ये तो बहुत खुशी की बात है, तो हमारा उनसे कोई उद्देश्य नहीं। किसको? किसमें? राजस्थान यूनिवर्सिटी में देखो, छात्र संघ चुनाव होंगे, वो अलग प्रक्रिया है। हम ये जो हमारे मुद्दे हैं, इनमें कहीं भी ये नहीं कि हम अध्यक्ष के लिए या फिर किसी भी पद के लिए कोई चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, किसी को लड़वाने की बात कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों का भला होना चाहिए, बच्चों की मांगे उठनी चाहिए। अध्यक्ष तो मैं पहले भी रहा हूँ, अभी तो हटा हूँ मैं, 10-15-20 दिन पहले जब ये चुनाव हुए तभी तो हटे, इससे पहले तो अध्यक्ष ही थे। प्रतिनिधि कितने लोगों का रहेगा इसमें? प्रतिनिधि हमारा 21 लोगों की टीम हमने गठित की है। 21 लोगों की टीम इस पूरे कार्य प्रणाली को देखेगी, कब कहाँ हमारा स्टॉपेज होगा, किस प्रकार से हम जाएंगे। एक हमारा इस पद यात्रा में गांधी जी का एक स्वरूप होगा, गांधी जी का एक फॉर्मेट हम बना करके गांधी जी को भी लेकर के जाएंगे पैदल पैदल हमारे साथ। जहाँ स्टॉपेज करेंगे वहाँ कोई सभा? जहाँ स्टॉपेज करेंगे हर शाम वहाँ पे हमारे, वहाँ पे हम तमाम वहाँ के छात्र नेता उनको बुलाएंगे, वहाँ की छात्र शक्ति का अमर समर्थन लेने के लिए, वहाँ के स्थानीय लोगों को हम बुलाएंगे और वहाँ पे सभा करके हम उनको भी समझाएंगे, उनको भी जागरूक करने का काम करेंगे, ये तय है हमारा। आपकी यह यात्रा किसी राजनीतिक पार्टी से प्रभावित है क्या? हमारी यात्रा का किसी कोई राजनीतिक पार्टी का कोई इसमें लेना देना नहीं है, इसमें स्टूडेंटों की मांग है, हम स्टूडेंटों के लिए काम कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंटों का काम है इसमें, मतलब RLP की कोई छात्र यूनिटी थोड़ी है, कोई छात्र संघ का कोई वो थोड़ी है, कोई नहीं है। RLP का छात्र संघ में कहाँ है बताओ? आपकी यात्रा को RLP समर्थन करेगी? RLP समर्थन, मैं कार्य करता हूँ RLP का, तो अब मेरा तो समर्थन है ही, हम ही करेंगे सारे मिल करके। उसमें क्या है, इसमें आपकी मांगे राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगर आप लगातार पीछे भी आपने मांग पानी को लेकर, पानी की समस्या को लेकर मांग उठाई थी, वहीं तुरंत प्रभाव से समाधान भी हो गया था, लेकिन आपको ये क्यों लगा कि नीम का थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वहां पे भी आपकी बात सुनी जा सकती थी? सुनी जा सकती थी, वहां भी सुनते हैं हमारी बात, सब सुनते हैं, लेकिन पदयात्रा हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे तो यहाँ के स्टूडेंटों में हम मिल करके, यहाँ के स्टूडेंटों को साथ लेकर के, हम यहाँ से सारे प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके यहाँ से हम पूछ करेंगे वहां पे, तो प्लानिंग यहाँ बनेगी हमारी। हालांकि कार्य क्षेत्र हमारा वो है, लेकिन ये हमारा जहाँ से हम प्रारंभन करेंगे तो वहाँ की जगह है, तो इसलिए हम सोचे कि यहाँ के तमाम स्टूडेंटों से मिले, इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी यहीं रखा है। ये जो मांगे है, अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? मांगे सरकार यदि नहीं मानती है, पहली बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि हम गांधी जी बना के लेके जाएंगे। फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम भगत सिंह बनते टाइम नहीं लगाएंगे, ये तय है। RLP को तो मजबूत नहीं कर रहे इस यात्रा को? देखिए, इसमें अगर मजबूत हो तो उसमें तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, लेकिन कार्यकर्ता तो हम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी हमारा जो उद्देश्य है वो स्टूडेंटों का भला करना है इसमें, पर RLP की छात्र यूनियन नहीं है, मैं आपको बता दूं। आपको नहीं लगता कि ये जयपुर में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो अच्छा रहता, वहाँ मांगे भी? जयपुर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, जयपुर में भी करेंगे। यहाँ के छात्र नेताओं से जब हम मिलने आए थे, कार्यकर्ताओं से मिलने आए थे, हमारे साथियों से मिलने आए थे, तो हमने यहाँ पे अचानक ये कार्यक्रम रखा है। बाकी हमारा जयपुर में तो होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा, वहाँ भी होगा। हमारी यही मांगे, हमारा यही मिशन, हमें पदयात्रा करके जाना, ये हमारा प्लान है। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।